ने कर दी, दोनों गाने मिक्स कर दिए इन्होंने दोनों फिल्में की। दोनों, तो आई थिंक यू आर द लकीस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। एंड आप तो शुरुआत कर ही रहे हैं आपकी करियर की सर के साथ, सो मुझे लगता है कि दोनों बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं गणेश जी को, राइट? सो कैन वी हैव अ हुक स्टेप ऑफ सर मास्टर जी का, जो देहाती डिस्को का अभी चैलेंज चल रहा है ना, मैंने अभी भी देखा है, लोग कर रहे हैं वो आज हमें लाइव करना चाहिए, कोई रिकॉर्ड कर लो प्लीज। करेक्ट, विल डू दैट, विल डू दैट लाइव। शिवामणि सर को भी करना चाहिए, शिवा भी करे। शिवामणि सर बोलने वाले थे कि मैं सिर्फ बजाता हूँ, हिलता नहीं हूँ। यू कैन प्ले बट यू कांट डांस, यू कैन डांस सर, यू डिड अ वेरी वेल, लाइक वेरी गुड जॉब, कूल। सो कैन वी हैव दैट हुक स्टेप साउंड, राइट हैंड? Thank you so much. Thank you. So also because I'm here, I forgot to mention Sahil. Sahil bhi apna, please come on stage. Sahil bhi apna debut kar raha hai ye film mein. And bahut saal inhone background dancer mein bitaya hai. So maine bhi abhi gana bhi kiya inke saath abhi. Oh. And I feel very happy jab हमारे कैमरा के पीछे जो इतना टैलेंट होता है, और जेन्युइनली जितना टैलेंट कैमरा के पीछे होता है या जो लोग आपको सिखाते हैं, वो हीरो हीरोइन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। Exactly. मतलब ये कोई बात करने की बात भी नहीं है। सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल गेट अ चांस, सो थैंक यू मास्टर जी फॉर गिविंग साहिल दिस चांस आल्सो। कांग्रेचुलेशन साहिल, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। हाउ आर यू फीलिंग साहिल? एक बार साहिल के लिए जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे वो। थैंक यू सो मच। मैं क्या ही बोलूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, और इस फिल्म से मेरी शुरुआत हो रही है, इससे बड़ी शुरुआत हो ही नहीं सकती। और इतना मुझे चांस दिया मास्टर जी ने, सपना था मेरा इनके साथ काम करना, बट इस तरीके से मैं आऊँगा इनके साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। और वरुण भाई, आपके साथ तो काफ़ी गाने किए एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, और आज ये मौका मिला है मुझे खुद को एज एन एक्टर लाने का सबके सामने, और मैं सबकी ब्लेसिंग्स लेना चाहता हूं और इसी तरह आगे बढ़ना चाहता हूं लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी गेटिंग लॉट ऑफ लव फ्रॉम आवर ऑडियंस, बहुत प्यार दे रहे हैं आपके गाने को, ढेर सारे व्यूज मिल रहे हैं, सो अभी और प्यार मिलने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हमारे जो नेक्स्ट स्टार है इनके लिए भी तारिया, क्योंकि ये भी आने वाले स्टार हैं। सो कंग्रेचुलेशन पूरी टीम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अब जो हमारे निर्माता हैं उनके बिना तो मुझे लगता है ये स्टेज अधूरा है। सो कैन वी हैव द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, एक बार जोरदार तालियों के बीच आप सभी के बीच मैं बुलाना चाहूंगी ऑन द स्टेज, नॉन अदर देन मिस्टर मनोज शर्मा जी। सो कैन वी हैव यू ऑन द फ्लोर प्लीज, प्लीज आए। और इतनी अमेजिंग खूबसूरत फिल्म आपने यहाँ पर बनाई है, जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बिफोर मूविंग ऑन, आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, कि कितनी मेहनत लगी और कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये फिल्म देहाती डिस्को, एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मास्टर जी के साथ काम करने का मौका मिला, और हम लोगों ने लॉकडाउन में मिलकर स्क्रिप्ट पे काम किया। और अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मास्टर जी से एक्टिंग कैसी करवाई आपने? यस, मास्टर जी ने, हम लोगों ने मिलकर लिखी थी, तो एक्टिंग कराना बहुत आसान हो गया था मेरे को, क्योंकि हर कैरेक्टर को हमने ही बुना था, तो आधा काम तो एज एन राइटर हमारे माइंड में चली रहा था। और मैं दिल से बोल रहा हूँ, इस फिल्म में मास्टर जी ने एक्टिंग में, अभिनय में बहुत हार्ड वर्क किया है। इस फिल्म में वो एक बच्चे के पिता बोला, अब जब ऑडियंस जब थिएटर में जाएगी, पोस्टर देख के तो लगेगा गणेश आचार्य जी मेन है और बच्चा मेन है, लेकिन वो भोला और भीमा के साथ रहेंगे। बहुत टची इमोशनल सीन है मास्टर जी के, और मैं थैंक यू कहूंगा अपने प्रोड्यूसर्स को, थैंक यू कहूंगा और पूरी टीम को थैंक कहूंगा। डायरेक्टर सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप बोल रहे लॉकडाउन में, मैं सोच रहा था कि मैं मास्टर जी से एक्टिंग कैसे करूंगा, बट ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन में मैं शूटिंग कैसे करूंगा।
वो टिप्स दे दो हमें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था. मैं जब झुक झुक कर रहा था तो मुझे खुद कोविड हो गया था 2-3 बार. सो एक्चुअली शूटिंग लॉकडाउन में या किसी का भी जो काम था आप लोगों का भी, तो वह डर डर, आप लोग भी फोटोग्राफर डर डर के खींचते थे, कभी कभी आउट फोकस हो जाता डर के वजह से. तो वो लॉकडाउन में सब डरे हुए लोग थे. आपने शूटिंग कैसे की वो वातावरण में? इस फिल्म पे एक तो हर हर महादेव शंकर भगवान का हमको आशीर्वाद शुरू से साथ रहा है, और ये वाकई हम लोग लकी थे. लॉकडाउन में हमारे प्रोड्यूसर कमल जी, वासिम साहब, सबने लखनऊ में हमको 45 डेज पूरे फुल लॉकडाउन में, और इतना क्राउड, इतने डांसर्स. लेकिन गॉड इज ग्रेट, जब सच्चाई से आप सच्ची नीयत से काम करना चाहते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ होता है. सिंगल पर्सन को कोविड नहीं हुआ था, और हमने बहुत अच्छी मेहनत करके आज फिल्म सामने आपके. थैंक यू क्या बात है, सेफ्टी के साथ. ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ था, इसलिए आपने बहुत आराम से और मजे से ये फिल्म शूट की है, और जो मजे से शूट किया ना वो दिख रहा है स्क्रीन पे, और ऑडियंस पसंद भी कर रही है ऑब्वियसली. सो आई थिंक हमारे दोनों स्टार्स यहाँ पर हैं. आपने तो इनकी मिमिक्री ऑलरेडी करके दिखा दी कि ये करते क्या है, लेकिन मैं सक्षम से जानना चाहूंगी, 3 क्वेश्चन पूछूंगी मैं आप दोनों से, देखते हैं कि कौन. पहले हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स को बुला दें. या प्लीज 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 प्लीज. सो आई थिंक विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, इट्स टाइम टू कॉल द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मूवी. सो कैन वी हैव प्रोड्यूसर, नहीं बुलाओगे तो इवेंट होगा ही होगा कैसे. एब्सोल्युटली. अरे वाह, ये लाइट वाइट बंद हो जाता. आप लोग प्लीज. Alright, so हमारे कुरेशी प्रोडक्शन से हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पर मौजूद हैं. सो कैन वी हैव आयुब कुरेशी जी एंड मिस्टर बिग हैंड फॉर देम खान ऑन द फ्लोर, प्लीज वेलकम. एंड फ्रॉम वन एंटरटेनमेंट आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज कमल किशोर मिश्रा जी, कैन वी हैव यू, प्लीज वेलकम. सो हियर वी हैव द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप नहीं होते तो ये फिल्म बिल्कुल नहीं बनती. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे सारी टीम मेंबर्स के लिए. सो हियर वी हैव द देहाती डिस्को ऑन द स्टेज. सो चलिए फटाफट से हम हमारे जितने भी स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रोडक्शन टीम जो है, प्रोड्यूसर्स जो हैं, थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक आपके दोनों स्टार्स यहाँ पर हैं जिन्हें आपने बनाया है, और सक्षम बहुत एक्साइटेड है. सक्षम की आंखों में मुझे नजर आ रहा है क्योंकि बैक स्टेज भी ये बहुत एक्साइटेड था. तो ये आपके बारे में कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर देने वाले हैं. सो आपको डिसाइड, दोनों I'm going to ask to both of them and then going to answer both of them. देखते हैं सबसे ज्यादा quick कौन है. So let's see. And the first question is कि मास्टर जी की फेवरेट फिल्म कौन सी है? Anyone? Disco. Yeah. भाई ये बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है. ये वारो नहीं इसको. It's a मराठी फिल्म. हाँ, भिखारी. करेक्ट. मुझे बताया था उसके बारे में. सो द सेकंड क्वेश्चन इज मास्टर जी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, गाना, फेवरेट सॉन्ग. इट्स नॉट अ सॉन्ग व्हिच ही इज कोरियोग्राफ, पुराना गाना है कोई. हाँ, विच वन. उसकी उस दिन वो हॉल में रिहर्सल भी कर रहे थे मास्टर जी सबके साथ, उसपे कुछ स्टेप बिठा रहे थे. बहुत पुराना गाना है. यू नो सक्षम कौन सा है? वन इज वरुण इज ऑल्सो गेस्ट. ओल्ड सॉन्ग ओनली ना. हाँ, हुस्ने सुहाना. नहीं नहीं नहीं, इट्स अ ओल्ड सॉन्ग. वही है? आपके मास्टर जी ने किया है मेरे को लग रहा है. कमल मास्टर जी का कोई गाना होगा. हम का हथोरी गली में वाला गाना. यू नो ऑल द आंसर्स. आई कुडंट रिमेंबर द नेम्स, बट आई नो बिकॉज़ बातचीत में कभी कभी निकल जाता है ये सब. ओके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टर जी की 3 हुक स्टेप करके दिखाएंगे दोनों. रेडी? सो दिस इज द ऑर्डर एंड दे हैव टू फॉलो इट. देहाती डिस्को की. लेट्स. Yeah, and the second one. Yeah, ये I think मुझे लगता है कि मेरे साथ ही किया था बद्री की. Yes, absolutely, absolutely. ये हमारे स्टार, इमर्जिंग स्टार हमारे साथ हैं. सक्षम, कंग्रेचुलेशन टू यू. थैंक यू सो मच वरुण फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू मास्टर जी. प्लीज एवरीवन, प्लीज गो वॉच देहाती डिस्को इन थिएटर्स 27 मई. आपकी थिएटर्स में आने वाली, मतलब अभी अभी, मतलब अभी थोड़ा गर्मी कम होने ही वाली. आप थिएटर में जाओ, एसी में जाके मजा लो प्लीज एवरीवन. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो बेटा, एंड साहिल यू ऑल्सो फॉर योर डेब्यू. Best of luck and thank you, sir. Pleasure meeting. Thank you so much, Master. What would you कहना चाहेंगे आप, please? मैं एक ही बात बोलूँगा कि मैं इस Bollywood में
सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वरुण को, क्योंकि मैं इसके साथ इमोशनली बहुत जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं डेविड जी के साथ जुड़ा हूँ और डेविड जी का लड़का है वरुण। मतलब मुझे कभी भी इसके साथ गाने करता हूँ ना तो मैं ये जरा भी नहीं सोचता, मैं मतलब जितना फोकस कर सकता, नहीं ये मेरे घर का बेटा है, ये मेरा घर का बेटा है, इसको ठीक करना चाहती। तो मैं जब भी गाना करता हूँ तो इमोशनली मेरा अटैचमेंट रहता है और वरुण वो अटैचमेंट हमेशा दिखाता है। मैं जब भी उसे बुलाऊं तो यहाँ आता है मेरे किसी फंक्शन में, हर हमेशा मुझे बहुत प्यार देता है। एक सेकेंड एक कॉल लगाओ इमिजिएटली उठाता है, ये बहुत रेयर होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में उठते हुए फोन, लेकिन वरुण एक सेकेंड मेरा फोन उठाता है और प्यार दिखाता है। लव यू वरुण, थैंक्स। So we all love you, Varun. Thank you so much. And can we have a group picture together? So can we have that? And I like to share. No, I'm also a big fan of Varun. Awesome man, you are great. So yeah, hey, they are. My wife, ko bula lo Vidhi aur Runa ji, aap please aa jao. Aaji kam. सर आपकी सक्सेस के पीछे इनका ही हाथ है। बहुत बड़ा है। Please. And she is your daughter, sir? My daughter. She's your daughter. What's her name? Milana. What's your name? Milana. Lana? Oh, she's crying, huh? So let's have a group picture together. तो ये है हमारी देहाती डिस्को की टीम। आप सभी की एक बार जोरदार तालियां for this whole team. Thank you so much. मास्टर जी, ये आदमी ने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ये आदमी वो बहुत लॉकडाउन में बहुत चुप था, वो उदास हो रहा, वो उधर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत भयानक आदमी, आप जानते रहे हो। जिसके जिंदगी में कुछ चल रहा है वो वही पकड़ता है। आपके साथ ये हादसा हुआ था, आपको कैसे लगता है? आप गिर गए थे, कैसा लगता है आपको? वो वेट लॉकडाउन में पूछ ही नहीं सका किसी से कुछ प्रश्न, तो रुका, बहुत अंदर भरा हुआ है उसके अंदर कि कब मैं कॉन्ट्रोवर्शियल मैं पूछू, कब। तूने बहुत पूछा है कि यार मैम से देखा मैंने, तू कौन लिखता कौन है तेरे लिए प्रश्न सोचते थे, किसका आदमी है तू? स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सब अकेले। नो बट आई एम जेन्युइनली, मैंने मिस किया तेरे को क्योंकि अभी देख रहा हूँ, होप यू आर गुड। अभी माइक बंद दो इसको, अभी मैं जा रहा हूँ, फिर दे दो। उनके दिल में बहुत सारी चीजें सब बोल देंगे वरना। सो थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द कास्ट ऑफ दिस मूवी एंड एज वेल एज द होल टीम टू प्लीज बी हियर विद अस ऑन द स्टेज एंड आई नो दैट मीडिया मेंबर्स ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सो फॉर Q&A आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट बी हियर विद अस। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्वेश्चन आंसर्स हम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे। एक बड़ा ये खींचना। वरुण का हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे, थैंक यू सो सो मच ऑन बिहाफ ऑफ देहाती डिस्को एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस हियर एंड मेकिंग दिस वंडरफुल इवनिंग मोर वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे सभी मीडिया मेंबर से कि थोड़ा काम रहे, आराम से पिक्चर्स क्लिक करें एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर। Don't miss any picture, just be here with us. Anil Raja, thank you. Anything else? Thank you very much. I have to thank Nakul. Yes, he's the singer this film and he has done a wonderful in this lockdown. Thank you.